हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 20 मई के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम किसी y इज इक्वल टू के इक्वल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17 ओवर 3x² प्लस 9x प्लस 7। अब इसको शिफ्टिंग कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। y इज इक्वल टू वाई के साथ 3x² आएगा, 3x² वाई प्लस 9xy प्लस 7y, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो सेम आपके जैसे x² है, x² इनसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x² 3x² कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3x² y माइनस 1। नेक्स्ट 9x कॉमन आ रहा है, 9x y माइनस 1, एंड लास्ट इज प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो d क्या करना है मुझे, 0। दैट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है आपका 9, ये वाला ठीक है, ये x कोएफिशिएंट होगा, जैसे ये x² है तो 9y माइनस 1 b है, तो b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है, फिर से आपका y माइनस 1 और 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस इंटू बी है 7y माइनस 17, ऐसा होगा इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 1 और y माइनस 1 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा y माइनस 1, ये बचेगा 81 y माइनस 1 क्लियर, और माइनस 4×3=12 और ये हो जाएगा 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। 81y माइनस 81 और 12×7=84 होता है, और माइनस माइनस प्लस 12×17=204 इक्वल टू 0। अब आप करिए ये और ये सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3y और 81 और 204 प्लस 123 माइनस करना है क्लियर। तो दैट मीन्स फाइनल ये आ गया आपका 41। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 41 है। सपोज A इज अ 3×3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A 2.2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए आपके पास A डिटर्मिनेंट दिया है 2.2 क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, नीचे ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो ये तो 2.2 दिया है और n मतलब ऑर्डर, तो 3 - 1 क्लियर, और ये 2.2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2.2 की पावर 4 और ये 2.2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कैंसिल, तो कितना बचा 2.2 की पावर 2 बचा। फाइनल इज 4.84। तो आपका फाइनल आंसर 484 होता है, 22 का स्क्वायर। दैट मीन्स नन ऑफ दिस क्लियर है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच लॉग 1 + x लेस देन इक्वल टू x। ये क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको f(x) की इक्वल ले लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखिए लेट f(x) इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x माइनस x, ऐसे मान लेते हैं। क्यों, देखिए f'(x) को f' कीजिए, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए f(x) को, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 ओवर लॉग x की डिफ्रेंशिएशन 1/x होती है और इसकी कितनी होती है 1, और अब इसको सॉल्व कीजिए 1 माइनस x ओवर 1 + x। दैट मीन्स जो f'(x) है वो है माइनस x ओवर 1 + x, ये है f'(x). अब देखिए अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, तो जो आपका लॉग वाला कौन सा, लॉग 1 + x डिफाइन करना है, तो दैट मीन्स 1 + x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -1. वैसे तो यही पता चल गया, बट अब इसको चेक करते हैं. तो हमें क्या करना है, जो ये f' ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है. तो हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे इसके लिए. पहला f' x ग्रेटर देन 0, तो कब होगा, व्हेन x की वैल्यू 0 और -1 के बीच होगी और x क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर -1 (x) <0. तो ये क्या हो जाएगा यहां से, f(x) (f)(0) और f(x) मैंने ये पुट किया है log 1 + x - x (f)(0). f(0) मतलब यहाँ f की जगह 0 पुट कीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा log 0 और log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है और यहाँ भी 0. तो दैट मीन्स ये कितना आ रहा है, f(0) आपका 0 ही आ रहा है. तो फिर क्या हो गया, फाइनल जो हो गया log 1 + x (x). क्लियर है. तो जो सेटिस्फाई कर रहा है x बिलोंग्स टू -1 → 0. अब सेकेंड केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस लेना है कौन सा, f' x जब आपका <(0) है, तो क्या होगा, x ग्रेटर 0 होगा, x क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा. तो f(x) क्या होगा, इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर 0. दैट मीन्स f(x) लेस देन सेम f(0) और f(x) आपको पता क्या था, log 1 + x - x और ये 0 था, तो ये कितना हो गया, log 1 + x (x). तो ये भी जो आपका है x बिलोंग्स टू +1 → 0, ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका गिवन क्वेश्चन है ये वाला, वो क्या कर रहा है, इज फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1. तो मतलब मेरा आंसर क्या है, -1 → 0. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट x = 0. ये ऑप्शन के थ्रू होगा. तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, हम कर लेते हैं, इसमें दो केस लेने पड़ेंगे. ये क्वेश्चन f(x) sin (mod x) माइनस ये mod x है, ऐसे दिया है. क्लियर. अब देखिए, पहला होगा फर्स्ट केस फॉर x <(0), सेकेंड केस x ग्रेटर देन 0. तो जब x <(0) होगा, तो यह क्या हो जाएगा, sin x और ये -- यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स f'x क्या हो जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन cos x होती है, साथ में माइनस था और ये हो जाएगा 1. अब देखिए f'0 के लिए एट x = 0 था, -cos 0 + 1. तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये फाइनल कितना आ गया, f'(0) के इक्वल आ गया. अगर ये भी ऐसे ही होगा तो ये डिफरेंशिएबल है. क्लियर. सेकेंड केस में देखिए f' ग्रेटर 0, तो f(x) क्या हो जाएगा, इक्वल टू sin x पॉजिटिव होगा और ये -x रहेगा. तो f'(x) कर लेते हैं, cos x होती है इसकी डिफ्रेंशिएशन और इसकी 1. अब 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया cos 0 - 1. तो f'(0) इक्वल टू ये 1 होता है, तो 1 - 1 फाइनल आपका कितना आ गया, 0. दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम आ गई. तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. क्लियर. तो पहला ही आंसर है, बाकी आप चेक कर लीजिए. नेक्स्ट है, लेट, ये दिया है आपके पास a1, a2, a10 are in AP, h1, h2 and so on, h10 are in HP. ये इक्वल दिए है, ये भी इक्वल दिए है, देन फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो गिवन दिया है उसका यूज तो करना ही पड़ेगा. आपको निकालना है, सबसे पहले एक चीज पहले बता देते हैं, अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा. क्लियर. ये पता होना चाहिए, आर इन AP. क्लियर. अगर मुझे A10 दिया है, तो A10 गिवन है, A10 एंड H10. तो A10 मतलब A + 9D. क्लियर. तो A को मैं A1 ले लेती हूँ और 9D को मैं क्या ले लेती हूँ, D1, क्योंकि A1 की A मतलब A1, ठीक है, A की वैल्यू दी है 2 + 9, यहां से D1 निकल जाएगा क्योंकि A10 की वैल्यू भी दी है 3. तो कितना हो गया माइनस ये 1 आ जाएगा इस तरफ. दैट मीन्स D1 इज इक्वल टू 1/9. D1 निकल गया तो सिंपल है A4 भी निकल जाएगा. A4 कितना हो जाएगा A + 3D. तो मतलब A1 + 3D1 ये होगा. तो ये हो गया आपका A4 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस D1 मैंने निकाला 3/9 मतलब 1/9. तो फाइनल इज 18 और 3 21 21/9. दैट मीन्स A4 काट दीजिए 7 और 3 7/3 हो गया ये. सेकंड देखिए अब दिया है मैंने कहा कि अगर H1 H2 एंड सो ऑन HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा AP में. तो इसमें भी AP लगा दीजिए. तो 1/H10 क्योंकि H10 दिया है मेरे पास इज इक्वल टू. तो कितनी होगी H10 की टर्म H1 + 9D. तो 1/H1 + 9D. D कितना होगा अब यहाँ D2 ले लेते हैं डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को. तो ये 1/3 दिया है मतलब 3 दिया है तो 1/3 हो जाएगा. और ये 2 दिया है तो 1/2 9D2. तो एलसीएम कीजिए 1/3 माइनस 1/2 और लास्ट में इसको भी इधर ही ले जाना है D2. तो फाइनल इज ये 6 हो गया 6 इधर जाएगा ये किसे में 2 से और ये 3 से. तो -1/6 तो -1/6 मल्टीप्लाई 1/9 तो 1/54 आपका D2 आ गया. क्लियर है. अब आपको निकालना है H7. तो H7 क्या हो जाएगा 1/H7 सेवेंथ टर्म A + 6D. तो मतलब यहाँ पे A ये है 6 और D कितना है D2. तो अब वैल्यूज पुट करनी है. ये हो जाएगा 1/H7 इज इक्वल टू H1 कितना है 1/2 है H1 और ये निकाला है मैंने -6 ये हो जाएगा माइनस इसका लगा दिया ठीक है 54 तो 6 9 जा. तो फाइनल इज आप एलसीएम कीजिए 9 - 2 हो जाएगा इधर और नीचे 18 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 7/18. तो आपका 1/H7 भी आ गया. तो दैट मीन्स H7 कितना आ जाएगा 18/7 हो गया. अब H7 क्यों निकाला क्योंकि गिवन क्वेश्चन दिया था आपके पास. क्या दिया था A4H7 कितना हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 7/3 A4 मल्टीप्लाई 18/7 आ गया. तो फाइनल इज 6. आज के लिए इतना ही. डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.